यो युधिष चैनल में न्यू वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि गाइस आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आप सभी लोग तो फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते होंगे, मैं भी करता हूँ। ईमेल में मैसेज आया था जो कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, जैसे कि एक्सिस बैंक का देता है फ्लिपकार्ट से, तो मैं अप्लाई कर दिया था। तो मेरा पास मतलब आ गया करियो जो कि क्रेडिट कार्ड, तो मैं उसी के बारे आप सभी को दिखाऊंगा वीडियो में, बताऊंगा कि कितना कितना लिमिट दिया है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब के बारे में जानकारी दूंगा। गाइस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आप सभी को वीडियो मिलते रहे। गाइस आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट का अंदर ही सेटिंग में ही है कि आप सभी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस पहले तो हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करके तो देख लिए मेरा कितना लिमिट दिया है उसके बारे जानते हैं। हालांकि हर व्यक्ति का अलग अलग लिमिट रहता है, जैसे खुद का बिजनेस कर रहे हैं कि कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो सबका इंक्वायरी होके ही वो बजट का ऊपर, जैसे बजट बोलने से क्या, आप लोग आपका सैलरी कितना है, आपका अकाउंट में कितना आ जा रहा है, जैसे हिस्ट्री जानते हैं उसी हिसाब से आप लोग को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जो कि लिमिट, जैसे कि गाइस आप लोग देख पा रहे हैं। पहले देखते हैं पूरा पेज, उसके बाद बताते हैं आप सभी को। जैसे कि ये है अपना लिफाफा जो कि इसमें भर के आया था सब, ठीक है, ये है लिफाफा। चलिए इसको साइड में रखते हैं, दूसरा देखते हैं। ये है अपना क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड इसको बंद किया हूँ इसलिए कि नंबर दिखाना नहीं चाहिए, फ्रॉड वाला आदमी भी बहुत रहते हैं ना, इसलिए दिखाना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, इसको रखते हैं साइड में। तो गाइस देख पा रहे हैं अपना कितना कितना लिमिट है जो कि आप सभी को दिखा रहा हूँ। इधर मैं इसको ढाँक दिया हूँ जो कि मेरा एड्रेस प्रूफ है, तो इसीलिए एड्रेस प्रूफ बताता हूँ, पर भी पूरा कंफर्म नहीं दिखाना चाहिए। तो देख पा रहे हैं जैसे कि ये सब के बारे, ये अपना कार्ड का है, ये है लिमिट, ठीक है, जो कि 15,000 का लिमिट है गाइस मेरा, 15,000 सैलरी का ऊपर है, जैसे कि 15,000 मैं बताया ही था कम, और जो कैश में विड्रॉ कर सकता हूं जो कि निकाल सकता हूं एटीएम से 4500 जो कि 4500, ठीक है। ये ज्वाइनिंग फीस गाइस देख पा रहे हैं, ज्वाइनिंग फीस जो दिखा रहा है 500 रुपया, लेकिन मेरा से लिया ही नहीं, हम फ्री में किए, ठीक है, ज्वाइनिंग फीस जो कि इसका रहता है, कब कब ऑफर रहता है उस टाइम आप लोग ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आप लोग का भी फ्री हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो सब देखिए पा रहे हैं गाइस, ठीक है। इधर देखिए उसका नीचे जो कि डीजल का है, डीजल पेट्रोल ये सब आप लोग खरीदिएगा ये सब कंपनी में, तो ये सब कंपनी से आप लोग खरीदिएगा कुछ भी सामान ये है तो ये सब मतलब परसेंट का हिसाब छूट मिलेगा, 5%, 4%, 1.5%, ठीक है, तो ये सब परसेंट छूट मिलेगा। इधर देख पा रहे हैं इधर कैसे जनरेट करना, कैसे ये करना है, इधर नंबर दिए हैं, फोन बैंकिंग ये सब का, यानी कि आप लोग खोल सकते हैं, चला सकते हैं। बाकी तो देख पा रहे हैं कस्टमर केयर नंबर ये सब है। बाकी आप लोग को कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हम लोग के लिए सही है कि नहीं, जो कि अप्लाई करेंगे तो, मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।